सब्सक्राइब कीजिए फ्री सर्किट लैब को और बेल आइकन को दबाइए इलेक्ट्रॉनिक्स बिगिनर से मास्टर बनने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री सर्किट लैब। दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर लेके बैटरी चार्जर बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको एक ट्रांसफार्मर चाहिए। आपके बैटरी के लिए कितना करंट चाहिए वो आप बैटरी का एमएएच के हिसाब से डिपेंड करता है। तो कितने एएच का बैटरी है आपका, तो अगर 5 एएच का बैटरी है तो आप 1 एम्पियर का चार्जर बनाएंगे तो आपको 5 घंटा लगेगा चार्ज होने में। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है, एम्पियर और घंटा को गुण करके एएच बनाता है एम्पियर आवर। तो ऐसे में मेरा एक 5 एएच का 6 वोल्ट का बैटरी है, तो इसलिए मैं 9 वोल्ट का 500 मिली एम्पियर का 909 ट्रांसफार्मर लिया। लेकिन 500 मिली एम्पियर से अगर चार्ज करेंगे तो इसलिए आपको 10 घंटा लगेगा चार्ज होने में। तो मैं इस ट्रांसफार्मर को ऐसे हैक किया कि ये 500 मिली एम्पियर ना देखे 9 वोल्ट 1 एम्पियर दे। इसलिए एक वीडियो बनाया इस ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 500 मिली एम्पियर ट्रांसफार्मर से 1 एम्प ट्रांसफार्मर मैंने इसको बनाया। तो इसके लिए क्या किया, सिंपल यहाँ पे 2 कॉयल होता है, दोनों का कॉमन टर्मिनल होता है सेंटर की तरफ। तो ये 2 कॉयल सीरीज में रहता है, ठीक है। तो वो सीरीज को काट के पैरालल कर दिया, तो ऐसे में क्या होता है 9 वोल्ट और 1 एम्पियर यहाँ से मिलेगी हमको। तो ऐसे किया, वो वीडियो को आप देख लीजिए, आई बटन डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का टॉपिक है इस ट्रांसफार्मर का दूसरा पार्ट। इधर आपको 9 वोल्ट एसी मिल गया, तो ये 9 वोल्ट एसी से कैसे आप 9 वोल्ट डीसी करके बैटरी में लगाएंगे वो आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे इसका सर्किट बनाएंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे। और तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि अगला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम ऐसा है, तो आपको 4 डायोड चाहिए, उसके साथ 1 कंडेंसर या फिर कैपेसिटर चाहिए। तो ये मेरे पास में है 194007 इस नंबर का डायोड, आप कोई भी डायोड ले सकते हैं चलेगा, ठीक है। और ऐसा 4 डायोड आपको चाहिए, उसके साथ साथ एक कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर का माइक्रोफेराड UF जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा आपका। तो और कैपेसिटर का वोल्टेज को लेकर एक बात आपको बता देता हूँ, आपका ट्रांसफार्मर जितने वोल्ट का है, मेरे 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है वो, तो और आपका ट्रांसफार्मर जितने वोल्ट का है उससे 1.5 गुना ज़्यादा वोल्टेज का मिनिमम लगाइए ये कैपेसिटर को। तो यहाँ पे मेरा ट्रांसफार्मर है 9 वोल्ट का, तो मुझे मिनिमम लेना पड़ेगा 16 वोल्ट का कैपेसिटर, ठीक है। तो मैं 25 वोल्ट लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्ट ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, वोल्ट कम हो तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको ट्रांसफार्मर का वोल्टेज से, आउटपुट वोल्टेज से 1.5 गुना ज़्यादा कम से कम लेना है इसको। दोस्तों, इसके लिए आपको इस सर्किट जब बनाएंगे तो आपको ये 4 डायोड को कैसे कनेक्शन करना है वो बता देता हूँ। तो ये जो सिल्वर पट्टी है ना, सिल्वर रंग का पट्टी है या फिर व्हाइट रंग का, तो ये पट्टी आपका माइनस होगा, और इधर जो ब्लैक है पूरा का पूरा, ये आपका पॉजिटिव साइड। तो ये सिल्वर नेगेटिव साइड और ब्लैक पॉजिटिव साइड, और सभी डायोड में सेम रहता है, और किसी भी नंबर का डायोड हो ये सेम रहता है, सिल्वर साइड माइनस और ब्लैक साइड पॉजिटिव। तो ऐसे में क्या करेंगे, 2 डायोड को लेंगे, 2 डायोड का सिल्वर साइड यानी माइनस साइड को एक तरफ रख के इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे आपस में, ठीक है। अब इन दोनों को लेंगे, इन दोनों का पॉजिटिव को एक साइड रख के कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक जो है ये पॉजिटिव है, तो ब्लैक साइड को लेके इधर एक साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, देखिए आपको क्या मिलता है। यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव साइड हो गया और ये आपका 2 नेगेटिव साइड है, और इसमें एक नेगेटिव साइड कॉमन हो गया है और 2 पॉजिटिव साइड है। इसमें क्या करेंगे, ऐसा करके ये 2 डायोड का जो इसका एक नेगेटिव है इसको इधर का एक पॉजिटिव के साथ लगाना है, यानी ये सिल्वर साइड को इधर का ब्लैक साइड से लगाना है। तो ऐसे लगा के आपको इनको भी कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद जो 2 बचा है, देखिए इधर आपका एक ब्लैक साइड बचा है और इधर आपका ये सिल्वर साइड बचा है, तो इन दोनों को भी एक साथ लगा के कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और उसके बाद इसको आप सोल्डर कर देंगे। तो ऐसे में आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट और आउटपुट क्या होगी वो आपको बता देता हूँ। देखिए, जहाँ पर आपका 2 अलग अलग डायोड का टर्मिनल मीट किया वहाँ पर आपका एसी इनपुट होगी। तो ये एक एसी इनपुट हो गया, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस मीट किया, यहाँ पर एसी इनपुट, और उससे बिल्कुल अपोजिट साइड में देखिए इधर भी प्लस माइनस एक साथ मीट हुआ है, तो इधर आपका होगी
एसी का दूसरा इनपुट, तो इन दोनों में आपका एसी का इनपुट हो गया। और जिन दोनों में देखिए एक 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 जैसा टर्मिनल एक साथ है, यानी इस तरफ दो डायोड का नेगेटिव एक साथ हुआ, इस तरफ पॉजिटिव आउटपुट, और इस तरफ दो डायोड का पॉजिटिव साइड एक साथ हुआ, इस तरफ नेगेटिव डीसी आउटपुट। तो इस पिक्चर से आपको क्लियरली पता चल जाएगा जहाँ पर डीसी का पॉजिटिव आउटपुट वहाँ पर डायोड का नेगेटिव साइड है, और जिस तरफ डीसी का नेगेटिव आउटपुट वहाँ पर डायोड का पॉजिटिव साइड एक साथ हुआ है। तो ऐसे में इस कैपेसिटर को कहाँ लगाएंगे? तो कैपेसिटर का देखिए ये जो बड़ा वाला लीड है ये पॉजिटिव है और ये छोटा नेगेटिव है, और आप ऐसे में देख सकते हैं अगर आपका लीड शोल्डर से निकाला तो इसलिए तो ये बड़ा छोटा नहीं रहेगा। तो इधर आपको माइनस माइनस जो लिखा हुआ एक बार मिल जाता है, इसके बगल में जो पिन है ये पिन आपका नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में गलत नहीं करना है, नहीं तो ये कैपेसिटर फट जाएगा। ठीक है, तो आप इस पिक्चर के जैसा कैपेसिटर को कनेक्ट कर दीजिए, कैपेसिटर का पॉजिटिव को डीसी आउटपुट का पॉजिटिव में और कैपेसिटर को नेगेटिव को डीसी आउटपुट का नेगेटिव में लगा दीजिए, ऐसे पिक्चर के जैसा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारा ये अब आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये जो माइनस माइनस है यहाँ से आप डीसी का माइनस ले लेंगे, यानी ये आपका बैटरी में जाएगा माइनस और इस कैपेसिटर का प्लस से बैटरी में जाएगा प्लस, और ये दो टर्मिनल बचा है इसमें आपका एसी इनपुट हो गएंगे। ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनल से बैटरी लगेगा और इन दोनों में ये ट्रांसफार्मर लगेगा। तो दोस्तों इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझा देता हूँ। इधर आपका एसी इनपुट है और इधर आपका डीसी आउटपुट है, ये डायोड्स को ऐसे लगाना है जैसा मैंने लगाया ऐसे ही आपको लगाना है। ठीक है, सब कुछ बता दिया, या फिर ये सर्किट को आप कर लीजिए। इधर आपका एसी का एक इनपुट इधर और एक इनपुट इधर, और दोनों का आउटपुट ये इधर, ये प्लस आउटपुट और ये माइनस आउटपुट। तो ऐसे में क्या होता है, जब आपका एसी का पॉजिटिव हाफ वेव होता है, एसी का वेव ऐसा होता है, तो ये आपका जीरो लाइन है, इधर आपका पॉजिटिव हाफ वेव, इधर आपका नेगेटिव हाफ वेव है। जब ये पॉजिटिव हाफ वेव रहता है, मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बार बार चेंज होता है, एक बार ये पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव, एक ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बार बार चेंज होता है एसी में, 50 बार चेंज होता है सेकंड में, 50 हर्ज का मतलब है 50 हर्ज। ठीक है, तो वो अलग बात है। तो इधर मान लीजिए आपका एक बार ये पॉजिटिव है, तो इसमें से लाइन आके इस डायोड में जाएगा, ऐसे जाएगा, और इधर से आके इधर जाके इस कैपेसिटर से फिल्टर होगी, वो अलग बात है, वो छोड़ देते हैं। और इस रेजिस्टर में, यानी ये रेजिस्टर नहीं है आपका लोड है, ये मान लीजिए आप बैटरी में चार्ज करते हैं तो ये आपका बैटरी है जो लोड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वो लोड है, तो इसमें से ऐसे आप एक करंट पाएंगे, और उसके बाद में ये करंट इधर से आके इस इन डायोड में जाएगा, इस डायोड में, यानी इस डायोड में नहीं जाएगा क्योंकि इधर से ही तो इनपुट हुआ है, तो इस डायोड में जाएगा और इधर से आउटपुट होकर निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका ये एक बार पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये डायोड ऐसे इस पॉजिटिव को ऐसे इस तरफ जाएगा और यहाँ से इस डायोड में जाएगा, यहाँ से यहाँ पर फ्लो होगी, इधर फ्लो होगी और इधर आके इस डायोड में से निकलेगा इधर। ठीक है, तो ऐसे आपका ये सर्किट काम करेगा। तो दोस्तों अब ये क्लियर हो गई कि इधर आपका एसी में पॉजिटिव नेगेटिव जितना भी चेंज हो फिर भी आपको इधर ये करंट फ्लो इधर सेम मिलेगा। एसी में चेंज होता था, ये एक डायरेक्शन में हो गया तो ये आपका डीसी बन गया, और डीसी में ऐसा आपको पीक्स मिलता है, तो ये पीक्स को एलिमिनेट करने के लिए ये कैपेसिटर लगा है यहाँ पे। जब भी पीक्स यहाँ पे ये पीक्स मिलेगा तो ये कैपेसिटर यहाँ से चार्ज लेके इस पीक को डिक्रीज करके ऐसा एक आपको वेव दे देगा, यानी ये मिड पॉइंट में वोल्टेज को ये मेंटेन करेगा, और जब भी ये मिड पॉइंट से नीचे हो जाएगी वोल्टेज तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर ये इधर का सप्लाई देके ये इस जो नीचे वाली साइड को ये मिड पॉइंट पे लाएगी, तो ये आपका आउटपुट कुछ इस तरह का मिलेगी, ऐसा बहुत कम फ्लक्चुएटिंग मिलेगी। और अगर ये कैपेसिटर आपका ज़्यादा वैल्यू का है तो ये बहुत ही लीनियर एक इफेक्ट दीजिए, ये लीनियर ही आपका एक्चुअल में डीसी है, इसका वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होता है, टाइम कितना भी हो वोल्टेज आपका चेंज नहीं होगा, तो यही तो डीसी है। तो मुझे उम्मीद है आप ये सर्किट और इसका वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ समझ चुके हैं, आप आपका अपना खुद का आप ऐसे बना सकते हैं, और आप बना लीजिए और मेरे चैनल का कंटेंट देखिए, वीडियोज़ देखिए, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।